चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स को मैंने लिंक सेंड कर दी है। जिन लोगों को लिंक नहीं मिली है, या दो सभी लोग अपने आपस में दोस्तों को लिंक शेयर कर लें, तो जल्दी से जो है हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आप और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को। पहले मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि अभी जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको, निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं ये आपको अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो बीच में वीडियो को छोड़ करके ना जाया करें। बीच बीच में जो हमारी क्लासेस हैं वो उसको छोड़ करके ना जाया करें। वो कंटिन्यूस वीडियो को, इस क्लास को देखें, और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट करके पूछें, क्योंकि ये दोबारा से जो है, ये आईटीआई में जो है, ये इसको एक ही टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए जो है आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोगों की निष्क्रिय अवयव क्या होता है। तो देखिए, आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। आपने वहाँ विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी अनेक डिवाइसेस लगी हुई देखी होंगी, है ना? तो यहाँ पर एक मैं सिंपल पहले सर्किट बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ सकें। तो ये देखिए, ये सिंबल जो है आप पहचान रहे होंगे। यहाँ पर इसके बाद आगे यहाँ पर कंपोनेंट और लगा देता हूँ मैं। इसी के आगे हम लोग यहाँ पर ये एक अन्य कंपोनेंट है। आप इन कंपोनेंट्स के नाम लिख करके कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? फिर अभी मैं 5 मिनट बाद ही बताऊंगा कि ये कौन कौन से कंपोनेंट है जिनको सिंबल्स जो है पहचाने। आप लोग थोड़ा कोशिश करें, ठीक है? तो ये देखिए, ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जनरली आपने ये तीन कंपोनेंट जो है सामान्यतः किसी भी सर्किट में देखे होंगे। कोई भी पुराना सर्किट यदि आपको कभी देखने को मिला हो, जैसे कोई पुराना टेप रिकॉर्डर या टीवी या कुछ भी जो है खराब चीज आपने देखी होगी, तो उसमें पीसीबी प्लेट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें देखा होगा आपने कि कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर होता है, और ये इंडक्टर होता है। ये तीन कंपोनेंट तो हमेशा होते ही है ना? तो देखिए क्या होता है कि किसी भी सर्किट में जो कंपोनेंट होते हैं या जो युक्तियां हम लोग यूज करते हैं, है ना, उन्हें अध्ययन के रूप में हम लोगों ने क्या किया है, वर्गीकृत कर लिया है। वर्गीकृत क्या किया है, किस रूप में किया है, निष्क्रिय अवयव के रूप में, और एक अन्य अवयव होता है सक्रिय अवयव। यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं, एक अन्य अवयव होता है सक्रिय अवयव। दो वर्ग जो हैं, इन दो वर्गों में हमने जो अवयव हैं उनको वर्गीकृत कर लिया है, ताकि हम इन्हें इन्हें आसानी से स्टडी कर सकें, इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकें। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं, ठीक है? ये जो निष्क्रिय अवयव हमने इन्हें नाम दिया है, जैसे एक रजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को, मेनली ये तीन जो कंपोनेंट हैं इनको हमने निष्क्रिय अवयव कहा है। इनके अलावा बाकी कुछ कंपोनेंट भी हैं, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जैसे कि आपका थायरिस्टर उसके अलावा डायोड और डायक, ये सभी जो है सक्रिय कंपोनेंट में आते हैं। तो आखिर हमने इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो यह आप लोग देखें। देखिए क्या होता है कि जो निष्क्रिय अवयव हैं वह अवयव होते हैं जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, है ना? यहाँ पर लिख लीजिए आप पहला पॉइंट कि इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही। जैसे आप लोग देखें कि रजिस्टर जो है, इन रजिस्टर को काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैटरी से एनर्जी देना पड़ेगी। इसके अक्रॉस बैटरी हम जोड़ेंगे तभी इसमें करेंट आई फ्लो होती है, अदरवाइज जब बैटरी अगर नहीं है तो इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं होगा, है ना? इसी प्रकार से चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, है ना, ये सभी कंपोनेंट जो है ये ऊर्जा की खपत करते हैं। इसमें ऊर्जा डिसिपिएट होती है या लॉस होता है। कैपेसिटर, ये जैसे रजिस्टर हैं, तो रजिस्टर में ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में हानि होती है, ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का डिसिपिएशन होता है। इसी प्रकार से कैपेसिटर और इंडक्टर में भी ऊर्जा जो है उसमें नुकसान होता है, ऊर्जा की खपत होती है। तो ऐसे सभी कंपोनेंट जो ऊर्जा की केवल खपत करते हैं, ऊर्जा को किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं कर सकते, या थोड़ा बहुत भी ऊर्जा को जो है उत्पन्न नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवयव, ठीक है? तो ये पहला
पहली जो है योग्यता है, या जो पहला पहली कैटेगरी है, पहला वर्ग है जिसके आधार पे हम निष्क्रिय अभ्यम को परिभाषित करते हैं। पहला पहला रीजन क्या होता है, इनमें किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ये पहली कंडीशन आप लोग याद रखें, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि ये जो है किसी भी प्रकार के सिग्नलों को हम इससे प्रोसेस नहीं कर सकते, है ना। प्रोसेस मतलब जैसे कि जैसे सिंपल उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई माइक्रोफोन यूज करते हैं ना, जैसे एक हमारा ये माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन है जहाँ यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी जो है आवाज साउंड वेव्स इसमें पड़ती हैं, और साउंड वेव्स जो हैं वो किसी सर्किट के द्वारा, किसी एम्पलीफायर सर्किट के द्वारा, यहाँ एम्पलीफायर बना देता हूँ मैं, ये एम्पलीफायर है ना, तो इस एम्पलीफायर के द्वारा इसे जो है सिग्नल को हम लोग जब तक इसे एम्पलीफाई नहीं करेंगे, जब तक इसे बड़ा नहीं करेंगे, जब तक इसके आउटपुट में जो भी लाउड स्पीकर लगा होता है वो ये जो माइक्रोफोन का सिग्नल है इसको जो है ध्वनि ऊर्जा में वापस परिवर्तित नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है, हमारा जो ऑडियो सिग्नल था इसको हमने एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको बड़ा किया, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो निष्क्रिय कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर, सॉरी ये रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों किसी भी प्रकार के सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर सकते, है ना, यानी कि ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर सकते, है ना, एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते, उनको बढ़ा नहीं सकते, है ना। और भी इसी प्रकार की विभिन्न प्रक्रिया होती है सिग्नल्स पर, तो ये किसी भी प्रकार के सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है सर्किट में, इनका काम केवल होता है जो एम्पलीफिकेशन या जो ओसिलेटर होते हैं इन सर्किटों को, या जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ट्रांजिस्टर एक सिंबल है, ये ट्रांजिस्टरों को केवल सहायता करते हैं कि ये अपनी जो सिग्नल प्रोसेसिंग की क्रिया है इसको अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम लोग ये ट्रांजिस्टर या डायोड, इनके साथ में अलग अलग प्रकार के रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वह कंपोनेंट जो किसी प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करते, दूसरा सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकते, वह क्या कहलाएंगे, निष्क्रिय अवयव, है ना। निष्क्रिय से आप समझ सकते हैं कि जो निष्क्रिय किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, कोई मन से कोई काम नहीं कर सकता, स्वयं से कोई काम नहीं कर सकता, उसको हम निष्क्रिय कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सर्किट में केवल रजिस्टर और कैपेसिटर मिलाकर के हम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर सकते, हमें यदि कोई यूजफुल वर्क करना है या कोई डिवाइस बनानी है तो उसके लिए सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे, डायोड लगाने पड़ेंगे, तभी जा करके वो किसी प्रकार के सिग्नल को प्रोसेस कर पाएगा। इसीलिए जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर है इन्हें हमने नाम दिया है निष्क्रिय अवयव, ठीक है। यह चीज आपको समझ में आई। तीसरी कंडीशन होती है कि जो निष्क्रिय कंपोनेंट होते हैं, निष्क्रिय कंपोनेंट रैखिक होते हैं, लीनियर होते हैं। अब यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि इनका जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है ना। इसमें यदि आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, कोई करे कोई किसी कैपेसिटर या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि आप लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका जो ग्राफ है उसमें करंट का मान भी सेम इस तरह से बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया इसको 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे करंट का मान यहाँ पे था मान लीजिए ये था 2 एम्पियर, है ना। अब हमने बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ा दिया यहाँ पर 10 वोल्ट, तो करंट का मान हो जाएगा यहाँ पर 4 एम्पियर, है ना। तो आप लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज बराबर वो होता है, वो वोल्टेज जो होता है या रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, वी अपन आई, है ना। तो इसमें जो रेशियो है वोल्टेज और करंट का, वो रेशियो जो है हमेशा बड़ा जो है बरकरार रहता है, वो रेशियो जो है वो सेम रहता है। ये तो अब जब हम ग्राफ खींचते हैं इसका तो इस तरह से एक लीनियर ग्राफ दिखता है। इस ग्राफ को थोड़ा हम लोग यहाँ पे, इस ग्राफ को थोड़ा मैं सुधार देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेकार ग्राफ मैंने बना दिया, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ ना।
तो इस तरह से जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। कोई भी इस तरह की डिवाइस हो, चाहे आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का यदि ग्राफ खींचेंगे तो वहां भी आपको इस तरह से लीनियर ही दिखेगा। यहाँ पर ग्राफ में एक बार फिर खींच बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ जो है ये लीनियर ग्राफ कहलाते हैं। ये हमारी वेरिएबल राशि है। ठीक है, ये इस लाइन जो है ये हमारा रैखिक ग्राफ है। ये क्योंकि ये रेखा की तरह सीधी रेखा होती है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रैखिक ग्राफ, है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज और करंट का यदि आप ग्राफ खींचोगे, ये कैपेसिटर है तो ये ग्राफ भी आपको कैसा दिखेगा, रैखिक में रहेगा। तो इसीलिए वह डिवाइस या वह अवयव जिसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाने पर उसी अनुपात में करंट का मान भी बढ़ता है, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रैखिक डिवाइस बोलते हैं, या सिंपल भाषा में उसको रैखिक अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो जो निष्क्रिय अवयव है, निष्क्रिय अवयव होने के लिए तीन कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वह जो है ऊर्जा की खपत करेगा, किसी प्रकार से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वह सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे एम्पलीफाई नहीं कर सकता। तो तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि वह रैखिक होता है। ठीक है, जो निष्क्रिय अवयव होता है वह रैखिक होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसके उदाहरण मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसके उदाहरण है हमारे पास, नंबर फर्स्ट जो है रजिस्टर या प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधक बोलते हैं इसको, प्रतिरोधक। इसके अलावा इसे एक और होता है यहाँ पर कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर भी जो है वो निष्क्रिय अवयव है। और तीसरा है इंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन जो है बेसिकली ये निष्क्रिय अवयव के उदाहरण है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ये तीनों ही आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नया टॉपिक लेते हैं। तो ये टॉपिक जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, यदि आपको यहाँ पर कोई परिभाषा जैसे रैखिक वगैरह कुछ नहीं आई हो समझ में, तो आप लोग जो है कमेंट करें, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं आपके कमेंट आते हैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ दोबारा से, दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्रतिरोधक क्या होते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक के बारे में अभी आपने थोड़ा जान चुके हैं, अभी कुछ चीज़ें और हैं जो प्रतिरोधक के बारे में आपको बताना है, तो वो आपको समझा देते हैं कि प्रतिरोधक आखिर होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रतिरोधक, है ना, प्रतिरोधक क्या होते हैं, इनका सर्किट में कार्य क्या है, यह हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधक क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से मान लीजिए हमारी सड़क होती है ना, तो सड़क पर यहाँ पर हमारे कार भी ट्रेवल कर रही होती है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, ये कार वगैरह जो ट्रेवल कर रही है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और सामने एकदम से कोई स्कूल वगैरह यदि आने वाला है, यहाँ पर जैसे ये स्कूल है ना, ये स्कूल आने वाला है। यदि मान लीजिए कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ से निकलती है, तो हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो एकदम छुट्टी होने पर एकदम से सामने आ जाए, तो इससे क्या हो सकता है, भयंकर तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है ना। इसलिए कार की रफ्तार को कंट्रोल करना है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं इसके जो जस्ट स्कूल के सामने, जहाँ हमें स्पीड को कंट्रोल करना है वहाँ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सर्किट ब्रेकर प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इस कार की स्पीड को नियंत्रित कर देता है। सेम उसी प्रकार से काम जो है सर्किट में प्रतिरोधक का होता है। प्रतिरोधक क्या करता है कि यदि मान लीजिए कोई डिवाइस है, किसी डिवाइस के अक्रॉस यदि हमको वोल्टेज को कम करना है, जैसे हमारे जो जैसे हमारे एलईडी वगैरह होते हैं, जैसे एलईडी मान लीजिए आपका
एलईडी के अक्रॉस यदि आपको जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है यदि ये, और 12 वोल्ट की बैटरी से यदि आप डायरेक्ट एलईडी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, लाइट एमिटिंग डायोड को, इसका सिंबल बना देता हूँ मैं, जैसे ये लाइट एमिटिंग डायोड पे यदि डायरेक्ट आप यहाँ पर ये लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल बनाया मैंने, यदि इसको डायरेक्ट हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट एमिटिंग डायोड खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस क्योंकि वोल्टेज कम मिले इसीलिए यहाँ वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट के बाद का जो शेष वोल्टेज है वो हम क्या करते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो इसे मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10 वोल्ट को तो इस के अक्रॉस ड्रॉप कर देंगे और इस एलईडी को केवल 2 वोल्ट ही मिलेगा, और 2 वोल्ट मिलने पर ये एलईडी जो है ये आसानी से काम करती रहेगी, 2 वोल्ट को ये आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एक सिंपल सर्किट मैंने बनाया, इसमें ये रजिस्टर क्या कर रहा था, यहाँ पर हमारी जो विद्युत धारा है या इस परिपथ में उसको नियंत्रित कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, प्रतिरोधक का कार्य केवल विद्युत को नियंत्रित करना होता है ताकि जो डिवाइसेस हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, प्रतिरोधक का कार्य जो है केवल नियंत्रण का काम होता है, ये केवल करंट को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है, वी बराबर आई आर, इस तरह से आप जो है इसके क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी परिभाषा थी प्रतिरोधक की। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अब जो प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधक अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी वैल्यू जो है वह किस तरह से निकाली जाती है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जैसे जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक को हम लोग, प्रतिरोधक का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ये ओम। ठीक है, उसका प्रतीक जो है इस तरह से हम लोग इसको दर्शाते हैं, तो ये लोग ये बात आप लोग ध्यान रखें, है ना। अच्छा, 1 ओम बराबर कितना होता है, तो उसके लिए आप लोग सिंपल सी बात, सिंपल सा यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि ये इसी फार्मूले को हम लोग सोल्व कर लें आर के लिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, वी अपन आई। यदि इन दोनों को वन कर दें हम लोग, दोनों को वन लिख दीजिए आप लोग, तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इजिकल टू वन। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब किसी प्रतिरोधक पर 1 वोल्ट लगाने पर या जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर, किसी रेजिस्टेंस में यदि 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उसके टर्मिनल पर 1 वोल्टेज का 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उस प्रतिरोधक का मान कितना कहलाता है, 1 ओम। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक के प्रकार पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रतिरोधक की वैल्यू है, कलर कोडिंग है, वो किस तरह से, मतलब वैल्यू जो है वो किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक कुछ प्रतिरोधक हैं जो जैसे कार्बन फिल्म टाइप के, जो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर डायग्राम में कार्बन फिल्म प्रतिरोधक क्या होते हैं। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर कार्बन फिल्म प्रतिरोधक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो तो देखिए ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये एक कार्बन फिल्म प्रतिरोधक का है ना, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन फिल्म प्रतिरोधक का है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें आपको अलग अलग कलर कोड नजर आ रहे होंगे, है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है ना, इसमें यहाँ पर कलर बने हुए हैं। ये वाला जो रजिस्टर आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन फिल्म प्रतिरोधक है, इसका नाम है, आप लोग याद रखें क्योंकि ये कार्बन के प्रकार में भी आपको जो रेजिस्टेंस के प्रकार हैं उसमें भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये जो रेजिस्टर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फिल्म
रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कलर कोड लिखा हुआ है। इस कलर कोड को लिखने की हमें क्या जरूरत पड़ी, हम यहाँ मान भी लिख सकते थे, लेकिन देखिए जितना बड़ा ये स्क्रीन पर दिख रहा है कलर, ये जो रेजिस्टेंस है उतना बड़ा भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका मान नहीं लिख सकते। जैसे यदि आपको इस पर लिखना होता जो भी मान है 4.7 के या जितना भी है, तो वो मान आप इस पर लिख नहीं सकते थे, वो पढ़ने में भी इनएक्यूरेसी होती, साथ ही साथ वो बहुत ही जल्दी जो है समय के हिसाब से बहुत ही जल्दी वो चेंज हो जाता, वह खराब हो जाता। तो फिर उसके मान को आप केवल फिर मल्टीमीटर या अन्य मीटर की सहायता से ही निकाल सकते थे, जबकि कलर कोड लिखने से क्या होता है कि इसका मान काफ़ी दिनों तक अंकित रहता है, जिसे समझना काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कलर कोड जो है, जैसे कार्बन प्रतिरोधक जो है, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना, इसको कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है, जो सफ़ेद मटेरियल आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कार्बन है ना, तो इसीलिए कार्बन फिल्म के बने होते हैं। एक कार्बन की रोल बना करके हम ये तारों के चारों तरफ लपेट देते हैं, तो यही कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इनका जो टॉलरेंस होता है वो 10% से 20% के आसपास इनका टॉलरेंस होता है। देखिए अभी आपको सारी बातें पता चलेगी टॉलरेंस क्या है, तो अभी आप देख लीजिए कि इनका, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका कलर कोड से हम लोग मान कैसे निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया है कि जो प्रत्येक कलर है, जैसे ये रेड दिख रहा होगा बैंड आपको, फिर उसके बाद यहाँ ब्राउन दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर आपको ब्लैक नजर आ रहा है ना, तो ये प्रत्येक कलर को हमने क्या हुआ है कि एक नाम दे दिया, एक कोड दे दिया, एक नंबर दे दिया है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं उनका नाम लिख देता हूँ और बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, येलो, ऑरेंज, एक मिनट इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लूँ मैं ज़रा, ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए अब यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं ज़रा इसके फिर से, तो देखिए ये होता है, देखिए एक होता है सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर ब्लैक, फिर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, यहाँ पर ग्रीन, फिर वही, फिर है ये है आपका बीस, एक और यहाँ पर एक और कलर कोई सा है, चलिए इसको याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, वॉयलेट, ठीक है, ये मुख्य कलर जो है आप लोग याद रखें और इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा बुक में। अभी मुझे कुछ कलर याद नहीं आ रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इनका नंबर बता देता हूँ आपको। तो ये होता है आपका, इसको 0 दे दिया है ब्लैक को हमने, ब्राउन को जो है 1 नंबर दिया है कलर कोड में, रेड को 2 नंबर जो है असाइन किया हुआ है, ऑरेंज का कलर कोड जो है वह 3 है, इसी प्रकार से येलो का जो है 4 कलर कोड है, ग्रीन का 5 है, और यहाँ पर ये वॉयलेट का जो है वो 7 है। ठीक है, तो ये कलर कोड जो है आप लोग ध्यान रखें, ये कलर कोड जो है इस सारणी में जो दिए हुए हैं इनको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये जो कलर कोड है ये वाले, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अब जो हमने यहाँ पर कैपेसिटर दिखाया था आपको, उस कैपेसिटर का मैं फिर से एक बार आपको उस कैपेसिटर का फिर से एक बार मान निकाल करके बताता हूँ कि आखिर उसका मान कितना था। उसका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मान निकाल करके कि उसका कितना मान आ रहा था। ये चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो देखिए जो पहला बैंड है, पहला बैंड क्या होता है, पहले बैंड का कलर कोड जो भी आएगा वो आपको सेम वैसा का वैसा अंक लिख देना होता है, ठीक है। तो रेड का कलर कोड कितना बताया था मैंने आपको, रेड का कलर है 2, तो रेड का मान आप वैसा का वैसा लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद जो अगला अंक जो होता है वो अगला जो मान होता है वो भी आपको वैसा का वैसा लिख देना होता है। जैसे जैसे ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ब्राउन है, ब्राउन नजर आ रहा है मुझे। तो देखिए ब्राउन का जो होता है, ब्राउन का 0 होता है ना। और अगला जो होता है, अगला होती है जो है ये ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब होता है यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये ब्लैक रहे, ग्रीन रहे, कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है ये घात को दर्शाता है, 10 की घात को दर्शाता है। तो यहाँ पर ब्लैक यानी कि कितना हो जाएगा, 10 की घात 1, यानी कि ये 2, ये 0, ये कितना हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। ये जो कलर कोड है ये 200 ओम का है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से। अच्छा जो लास्ट वाला ये जो गोल्डन होती है, गोल्डन या सिल्वर रहेगा यहाँ पर, तो ये दिखाता है हमारा टोलरेंस को। टोलरेंस का मतलब होता है कि जैसे ये 200 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, अब इसमें यहाँ पर जो गोल्डन है, गोल्डन का मतलब होगा कि इसका टॉलरेंस कितना है, 5% है ना, ±5%। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है 200 का रेजिस्टेंस है, तो इसका मान जो है गर्मी के या तापमान के या समय के अनुसार कितना चेंज हो सकता है, ये या तो 195 ओम के आसपास हो सकता है या 205 भी हो सकता है ना। 5% जो है ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। 5% कम जैसे 195 नहीं होगा, ये 190 हो सकता है। 5% करना है ना हमको, 5 नहीं करना। तो ये 190 से लेकर के 210 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कलर कोड वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अगले जो कैपेसिटर के टाइप है मैं दिखा देता हूँ आपको, 4 प्रकार के कैपेसिटर जो हैं वो दिखा देता हूँ मैं अलग अलग, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वाला जो है इसको हमने नाम दिया है कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि ये कार्बन की फिल्म का बना होता है। लेकिन इसका टोलरेंस जैसा कि मैंने बताया, इसका टोलरेंस जो खराब होता है समय के साथ, इसका जो कार्बन जो रेजिस्टेंस का मान जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अच्छा इसके बाद हम लोगों जो ने क्या किया, इसके बाद जो अगला कैपेसिटर होता है वो होता है आपका मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी देखिए कलर कोड बना हुआ है, और यहाँ पर ये टॉलरेंस के लिए इसमें ये कलर कोडिंग दी हुई है। तो हमारा जो मेन कैपेसिटर का मान होता है, वो जो रेजिस्टेंस का मान होता है, केवल वो ये 3 कलर कोडिंग से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो मेटल, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस का जो टेलरन होता है, टॉलरेंस होता है, वो ±5% होता है, ठीक है। तो इसका जो टॉलरेंस है वो कार्बन रेजिस्टेंस की अपेक्षा बेटर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए आप लोग जो कैपेसिटर हैं,
कैपेसिटर में फिक्स्ड कैपेसिटर अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है इसे हम लोग, ये जो वाला जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वायर बाउंड रेजिस्टेंस, है ना। इसको वायर बाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको हरा कलर में नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर की सीलिंग, इसके अंदर जनरली क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक कार्बन की कोर होती है, और उस कोर के ऊपर हम लोग तार को लपेट देते हैं, वायर को लपेट देते हैं, और वायर के ऊपर ये फिर से कार्बन की एक जो है इस पे एक सीलिंग कर देते हैं। ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो कार्बन की एक्चुअली इस पे सीलिंग है। ठीक है, तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी खासियत ये है, इसका एक तो टॉलरेंस बहुत कम होता है ना, यानी कि समय के अनुसार, ये गर्मी के अनुसार इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वेरिएबल नहीं होगी। दूसरी चीज, इसमें जो वाटेज रेटिंग होती है वो वाटेज ज्यादा होती है ना। जो कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म रेजिस्टेंस मैंने बताए थे, ये बहुत कम वाटेज रेटिंग में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 1 वाट रेटिंग तक में आते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये 1 वाट रेटिंग में आते हैं, जबकि जो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, नाम लिख देता हूँ मैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वाटेज रेटिंग बहुत अच्छी होती है, 5 वाट, 10 वाट, इस तरह की रेटिंग में ये आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें वायर बाउंड रेजिस्टेंस का। अच्छा, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है उनको हम लोग एक और अन्य तरीके से बांट सकते हैं। ये तो हमने जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, बनाने की विधि के आधार पर हमने वर्गीकृत किए थे। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग वर्गीकृत करना चाहें तो रेजिस्टेंस को एक अन्य तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, और वह होता है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, वह उसका मान को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस आधार पर हम रेजिस्टेंस को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बताता हूँ आपको कि वैल्यू के हिसाब से रेजिस्टेंस कितना प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ना, तो देखिए क्या होता है, जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू जैसा कि नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड है। यदि ये 10 ओम का कंपनी ने बनाया है तो ये इसकी वैल्यू जो है बस टॉलरेंस के हिसाब से ही चेंज होगी, सीजन के हिसाब से। बाकी अगर आप चाहें अपने हिसाब से, यदि इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करना, कि इसको 8 ओम का कर दें या 5 ओम का कर दें, तो ये इसको आप अपने मनमाफिक चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स है। वहीं यदि हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होते हैं, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस की इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पर देखिए आपको 3 टर्मिनल दिखेंगे, ये 3 टर्मिनल है, और एक ये बीच वाला जो टर्मिनल नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको हम वाइपर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ, ये तीसरा पॉइंट, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, यदि आप मल्टीमीटर से मेजर करेंगे या मीटर लगाकर आप मेजर करेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम रहेगी। लेकिन ये जब ये वाइपर जो है जैसे जैसे यहाँ हम लोग इसको घुमाते जाते हैं, तो जैसे ही ये थर्ड पॉइंट पे यदि आ गया, तो ये जो थर्ड पॉइंट है, और यदि ये वाला पॉइंट, ये जो बीच वाला है ना, अब इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाइपर जो है, ये देखिए वाइपर से होता हुआ सर्किट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, है ना। यदि वाइपर डायरेक्ट यहाँ मिल गया तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी, लेकिन यदि वाइपर को घुमा करके उल्टी डायरेक्शन में और तीसरे पॉइंट पर ले आए हम, तब क्या होगा कि करेंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगा, है ना, उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इसके नाम देख लें विभिन्न प्रकार के, ये वाइपर है, फिर ये बीच में जो ब्लैक कलर का है, ये रेजिस्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग, ये जो बीच की जो आपको नोब दिख रही है, यहाँ पर हम एक स्क्रू ड्राइवर लगा करके और इस वाइपर को घुमाते हैं, इसीलिए इसको हम स्लाइडर नाम देते हैं, और स्लाइडर के
जस्ट नीचे एक माइका की इंसुलेटिंग बॉडी होती है ताकि जो सर्किट है वो उसमें करंट का फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट दिखाया गया था। अभी मैं वास्तव में ये कैसा दिखता है रजिस्टर वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि वास्तव में इसकी वैल्यू वास्तव में ये किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए एक जो है वास्तविक वेरिएबल रेजिस्टेंस का इमेज दिखाया गया है यहाँ पर आपको। तो ये जो दो टर्मिनल है ना, दो टर्मिनल है और इसके बीच में ये जो यहाँ पर नोब दिख रही होगी आपको सिरे पर, ये वाइपर है और ये वाइपर के बीच में यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को लगा करके इसकी वैल्यू चेंज की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर, है ना, ये स्लाइडर होता है। और यहाँ पर नीचे जो है वो रजिस्टिव मटेरियल लगा होता है ना, रजिस्टिव मटेरियल लगा होता है। तो इस तरह से ये एक हमारा एक्चुअल में वेरिएबल रेजिस्टेंस नजर आता है ना। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोगों ने एक बार मैं रिकेप करा देता हूँ कि आज आप लोगों ने क्या क्या जाना। तो देखिए आज हम लोगों ने देखा कि निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं, और जो निष्क्रिय अवयव है, निष्क्रिय अवयव कौन कौन से होते हैं ये हमने आज जाना। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर जाना आज कि इसके अलावा हमने जाना कि जो रेजिस्टेंस होते, जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक के बारे में हमने जाना, प्रतिरोधक क्या होते हैं, उनका सर्किट में क्या काम आता है। इसके अलावा हमने जाना कि प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधक का प्रकार कितना होता है ना। इसके अलावा हमने जाना कि जो वेरिएबल और फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड रेजिस्टेंस के बारे में भी आज हमने जाना। ठीक है, तो यहाँ पर शायद मैं निष्क्रिय सक्रिय अवयव को बढ़ाना भूल गया था, थोड़ा सा सक्रिय अवयव की डेफिनेशन और बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों एक साथ कवर हो जाएं, दोनों को बार बार जो है अलग से आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो एक बार सक्रिय अवयव और देख लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सक्रिय एलिमेंट को और दिखा देता हूँ, फिर आज की क्लास हम लोग जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सक्रिय अवयव को समझा देता हूँ मैं। सक्रिय अवयव क्या होता है, देखिए सक्रिय अवयव क्या है कि सक्रिय अवयव का मतलब होता है, सक्रिय अवयव का मतलब होता है कि ऐसे अवयव जो ऊर्जा को चाहे निरंतर भले ही ना उत्पन्न कर सके, लेकिन ये किसी ना किसी रूप में ऊर्जा को उत्पन्न जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो भी थ्री टर्मिनल डिवाइस जनरली आप लोग देखेंगे, जैसे आपका जो ट्रांजिस्टर है ना, या डायोड है, इसमें किसी ना किसी रूप में जो है ऊर्जा जो है किसी ना किसी रूप में इसमें थोड़ी बहुत जनरेट जरूर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बैटरी है, बैटरी भी एक प्रकार का सक्रिय अवयव है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सक्रिय अवयव है उसमें एक और खासियत होती है कि सक्रिय अवयव जो है ये सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ट्रांजिस्टर का यूज करके है ना, इनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सकता है ना। तो ये बातें आप लोग इसमें सक्रिय एलिमेंट में देख सकते हैं। इसके अलावा सक्रिय एलिमेंट जो है उनमें एक और खासियत होती है कि ये रैखिक नहीं होते। जैसे इनका अगर ग्राफ खींचेंगे आप, जैसे अगर मान लो डायोड के एक्रॉस लगाने वाले वोल्टेज और इसमें बहने वाली करंट का यदि मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो इसका ग्राफ लीनियर नहीं आएगा। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर की ओर उड़ जाएगा, जबकि लीनियर ग्राफ क्या होते हैं, सीधे जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होता है ये लीनियर नहीं होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये अरेखीय, अरेखिक अवयव होते हैं। ठीक है, तो ये दो चार चीजें जो हैं आप सक्रिय एलिमेंट के बारे में याद रख सकते हैं। सक्रिय एलिमेंट के उदाहरण कौन से हैं, ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गया, बैटरी हो गई, ये सब क्या है, सक्रिय एलिमेंट के उदाहरण है। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं इनको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिए।
तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज मैंने आपको प्रतिरोधक के बारे में बता दिया है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऊर्जा बेंड डायग्राम क्या होता है, ठीक है? कल हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा बेंड डायग्राम, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले जितने भी क्लासेस हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको समझने के लिए आपको ये ऊर्जा बेंड डायग्राम को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? कल आप लोगों को एक क्लास अटेंड करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है? इसके बाद ऊर्जा बेंड डायग्राम के आधार पर हम लोग जानेंगे कि कुचालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो अर्धचालक मटेरियल है, फिर इसके बाद में आपको अर्धचालक मटेरियल के बारे में बताऊंगा। अर्धचालक में हम लोग पी टाइप अर्धचालक मटेरियल कैसे बना सकते हैं, एन टाइप मटेरियल कैसे बना सकते हैं, या ए पी टाइप किस तरह क्या मटेरियल कैसा होता है, एन टाइप क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के हम लोग फिर ये पी टाइप एन टाइप मटेरियल के बारे में बात करेंगे, इनमें डिफरेंस भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग डायोड के बारे में अगर टाइम मिला तो फिर हम लोग डायोड के बारे में भी बात करेंगे।